तो लेक्चर नंबर सिक्स में मैं पहले पूरा आपको पूरा रिवाइज करवा रहा हूं, कितना मैंने करवा दिया इसके अंदर। कैपिटल गेन का चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, कैपिटल गेन के अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई थी। सबसे पहले ये मेरे साथ साथ आपको लिखना है, नोट डाउन करना है सभी को, जितनी अभी तक 5 क्लासेस हो चुकी है मैं सारा पूरा रिवाइज करवा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले मैंने आपको कैपिटल एसेट बताई थी जो सेक्शन 214 में लिखी थी, और मैं कहीं पे गलत लिखूंगा तो बता देना प्लीज, बातें नहीं बात करनी, आप बाहर जा सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपसे, बट जो यहां पढ़ने आया है उसको पढ़ने दो। और ट्रांसफर कहां पे, 247 के अंदर। तो कैपिटल एसेट में आपने क्या पढ़ा था, कैपिटल एसेट में आपने पढ़ा था कैपिटल एसेट मींस, और आपने पढ़ा था कैपिटल एसेट बट डज नॉट इंक्लूड। तो बट डज नॉट इंक्लूड के अंदर क्या क्या था जो उसके अंदर नहीं आता था, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, पर्सनल इफेक्ट प्लस मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती, और रूलर एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया ये आपकी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती। एक और था जो आपकी कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। और ये जो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है ये 1999 के, और एक नए आए थे गोल्ड डिमोनेटाइजेशन बॉन्ड्स जो मोदी जी ने इशू किए, तो वहां भी अगर आप पैसा लगाएंगे वहां पे अमेंडमेंट आई थी, तो वो भी आपकी कैपिटल एसेट नहीं माने जाएंगे। तो गोल्ड डिमोनेटाइजेशन बॉन्ड जो अभी 2015 था, 15 ही है उसका शायद, 15 तो 2015 में जो आए थे वो भी आपकी कैपिटल एसेट नहीं माने जाएंगे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट था पर्सनल इफेक्ट प्लस मूवेबल, क्योंकि इसके अंदर एक्सक्लूड लिखा गया था, पहले ही ये एक्सक्लूड है और इसके अंदर एक्सक्लूड लिखा था तो हमने उसको इंक्लूड बोला था, और इंक्लूड के अंदर हमने कहा था कि 7 चीजें जो आपकी पर्सनल इफेक्ट है प्लस मूवेबल प्रॉपर्टी है हम उसे कैपिटल एसेट मानेंगे। नंबर 1 आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ज्वेलरी, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, ड्राइंग्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, तो वो 7 चीजें आपकी कैपिटल एसेट मानी जाएंगे। उससे पहले ये लिखा हुआ था कि कैपिटल एसेट मींस, कैपिटल एसेट मींस में क्या आ जाएगा कि सर कैपिटल एसेट मींस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एसएससी, वेदर इट इज कनेक्टेड टू हिज बिजनेस और नॉट, फिर वो बिजनेस एसेट हो या वो पर्सनल एसेट हो, या वो टेंजिबल एसेट हो या वो इनटेंजिबल एसेट हो, या वो फिक्स एसेट हो, कोई सभी एसेट हो, तो वो आपकी यहां पे आएगी। इतना समझ में आ गया। उसके बाद बेटा हमने ट्रांसफर पढ़ा था, तो ट्रांसफर के अंदर हमने कितनी चीजें पढ़ी थी, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी थी ये ट्रांसफर के अंदर, बहुत सारी थी। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो सेल, एक्सचेंज, रिलिंग्विज, एस्टिंग्विज, फिर उसने बताया था कंपल्सरी एक्विजिशन, जीरो कूपन बॉन्ड्स, टोपा, सेक्शन 53, कैपिटल ए, ठीक है जी। तो वो सारा यहां पे आ जाएगा, यहां तक सारी पिक्चर क्लियर हो गई। तो आपको ये भी पता लग गया, कैपिटल एसेट भी आपको पता लग गई, आपको कैपिटल एसेट भी पता लग गई, और आपको ट्रांसफर भी पता लग गया। इसके बाद हमने क्या किया था कि सर कैपिटल गेन आएगा निकल के, अब जो कैपिटल गेन निकल के आएगा या तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, बट उससे पहले आपको ये चेक करना होगा कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, यस और नो। और शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा सेक्शन था, वेरी गुड, सेक्शन 242 कैपिटल ए, और लॉन्ग टर्म के लिए सेक्शन 229 कैपिटल ए। आज मैं आपको शॉर्ट टर्म का सेक्शन बता रहा हूं कैपिटल गेन वाला 242B और इसका 229B, कुछ नहीं है, यहां पे A है यहां B है, यहां A है यहां B है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, प्यार से आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये पूरा लेक्चर आज मैं रात को डाल दूंगा, पूरा लेक्चर आप दोबारा से देख सकते हो, तो किसी का कोई छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। ये पूरे लेक्चर के अंदर मैं पूरी आपको सारी रिवीजन करा रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से लेके जो हमारी पहली क्लास थी और आज हमारा सिक्स लेक्चर है, मैं सारा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, सारा रिकैप करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, तो किसी का कुछ छूट जाए बाद में नोट कर लेना। अब बेटा क्या निकालना है मुझे, कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ये चेक करना होगा कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इन जनरल उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ होता है और लेस या उससे कम, तो वो शॉर्ट टर्म मानी जाती है, ठीक है जी। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो इसकी एक्सेप्शन थी, और कितनी एक्सेप्शन थी, तीन नहीं नालायक, एक्सेप्शन तो वैसे टोटल पांच थी, आज हम आपको पांच बताएंगे। पहली शेयर्स, दूसरी डिवेंचर, तीसरी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ठीक है जी। उसके बाद चौथी डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, और पांचवा जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो अगर इनकी बात करें तो वही वाली कहानी थी, ये लिस्टेड भी हो सकते हैं और अनलिस्टेड भी हो सकते हैं। तो लिस्टेड अनलिस्टेड, अगर बेटा ये लिस्टेड है तो 12 12 12 12, और ये कहता है मैं कभी नहीं बदलूंगा, मैं ऐसा ही रहूंगा हमेशा, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा 12 महीने। ये अमेंडमेंट आ गई फाइनेंस एक्ट 2016 के अंदर, और 36 महीने को काट के 24 कर दिया, जो कि इस बार सीएस के पेपर में क्वेश्चन 101% आने ही आने, 101 नहीं 501% आने, आप देख लेना। और ये वाला कितना है, 36, ये 36, ये 36, तो सिंपल हो गया, नहीं हो गया। तो टोटल कितनी एक्सेप्शन, पांच। मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नहीं बताई, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सी होगी सर, जो 36 महीने से ज्यादा की होगी वो लॉन्ग टर्म होगी, और इन पांच एक्सेप्शन में जो 12 महीने से ज्यादा की होगी, ठीक है जी। कोई डाउट, आगे चल रहा हूं, वीडियो तो आनी है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ गया अपने पास चार्ट। अब बोला था कैपिटल गेन क्या होगा, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन से सेक्शन में, सेक्शन 242B, और ये सेक्शन 229B। एसेट ए में है ना, तो ये बी में, लॉन्ग टर्म की एसेट ए में, ये बी में, सिंपल। कैसे निकालोगे बेटा आप, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और इसमें से तीन खर्चे माइनस होंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से आप कितने खर्चे माइनस करेंगे, तीन। तो पहला खर्चा कौन सा होगा सर, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर ऑफ सच एसेट। तो उस एसेट को बेचने के लिए क्या खर्चा किया हमने, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, लीगल फीस, वेरी गुड, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएगा। नंबर टू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब आपने कितने में खरीदा। नंबर थ्री, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, बस आपके पास ग्रॉस कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा, मतलब कि शॉर्ट टर्म, आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। लॉन्ग टर्म में क्या करना है, इंडेक्सेशन। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ये सेम होगा, ये सेम होगा, बस इसका इंडेक्स होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इसका भी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और आंसर आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एनी डाउट, बस उस दिन का इंतजार करो जिस दिन आपके 100 मार्क्स आने वाले, और या जिस दिन आप पास होने वाले, ठीक है जी। तो सारी चीजें छोड़ दो और अपने रिजल्ट का वेट करो, तो वो तभी अच्छा आएगा जब आप मेहनत करेंगे। अगला कहां पे आ रहे हैं हम लोग, कि सर आपने बताया था
कि आपको कैपिटल गेन निकालना है तो आपको उसके अंदर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहिए। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में मैंने तीन चीजें बताई थी आपको कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के अंदर तीन चीजें आएंगी। पहली चीज मैंने बोली थी सेल प्राइस आएगा, दूसरी चीज मैंने बोली थी कंसिडरेशन आएगी, और वो कंसिडरेशन जो इन एक्सचेंज है, वो कंसिडरेशन जो इन एक्सचेंज है। और बेटा इसके लिए सेक्शन बना हुआ है 50D, आज मैंने सेक्शन भी बता दिया इसके लिए 50D, इसके लिए सेक्शन बना हुआ, ठीक है। तीसरा मैंने बताया था डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के अंदर सेक्शन 45(3) में करा चुका हूं, जिसके अंदर पार्टनर क्या लेके आता है, एसेट लेके आता है, और एज अ कैपिटल कहां कंट्रीब्यूट करता है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर। वेरी गुड, AOPBY, क्या बात है, रिवीजन की है बिना रिवीजन के याद है, ईमानदारी से बोलना है, बताओ बिना रिवीजन के याद है, तो आप देख लो अगर रिवीजन करोगे तो भाई 100 नंबर तो कहीं नहीं गए, बाकी 60 आप लेके बैठे, मुझे रिजल्ट पास चाहिए। ग्रुप 2 में मिलेंगे आपसे। इसके अंदर और भी मैंने सेक्शन कराया था, मैंने सेक्शन 50C बताया था, और आज की क्लास में मैं सेक्शन 55 कैपिटल ए बताऊंगा आपको, वैल्यूएशन ऑफिसर, और बाकी मैं और सेक्शंस करवाऊंगा। 45(3) भी है, 45(4) भी है, 45(5) भी है, 45(1) कैपिटल ए भी है, एक 46 भी है, मैं सारे करवाऊंगा, और सब में क्या लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने बस जितना करवाया उतना मैं बता रहा हूं, इतनी बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट हमने किया था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के बाद एक्सपेंस माइनस होता है, एक्सपेंस में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक्सपेंस के बाद हमने कहा था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी हमने तीन चीजें ली थी। पहली चीज क्या ली थी बेटा, परचेज प्राइस। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज प्राइस, कि आपने किसी चीज को खरीदा तो आपने कितने में खरीदा। दूसरा हमने क्या किया था, इंटरेस्ट। वेरी गुड, दूसरा पॉइंट था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में तीन पॉइंट थे, पहला इंटरेस्ट इंडिविजुअल का था, दूसरा इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म का था, और तीसरा इंटरेस्ट PCVP मतलब कि बिजनेस का था। जो पहला इंटरेस्ट है उसमें कौन सा सेक्शन था, 24B, कि अगर हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है तो उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में आपने क्लेम कर ली। पार्टनरशिप फर्म ने अगर ले रखा है तो वो आपने सेक्शन 40B के अंदर वहां आपने इंटरेस्ट की डिडक्शन ले ली, और इसके अंदर सेक्शन 36(1). वेरी गुड, आई ये बड़ा अच्छा लगता है आपको सेक्शन याद है। तो यहां डिडक्शन मिल गई है, इसलिए यहां पे हाउस प्रॉपर्टी वाले की नहीं मिलनी, इस वाले की नहीं मिलनी, इस वाले की नहीं मिलनी, इसके अलावा कुछ होगा तो उसकी मिल जाएगी। और लास्ट क्या था बेटा, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या था कि सर अंडर द विल, अंडर द गिफ्ट, इनहेरिटेंस, डिसोल्यूशन, ठीक है जी, सेसेशन, तो हमें इस तरीके से क्या है, कोई भी एसेट मिल सकती ना प्रीवियस ओनर से। जो प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया था कि प्रीवियस ओनर से आपके पास एसेट आ सकती है, सेक्शन 49 सबसेक्शन 1, सेक्शन 49 सबसेक्शन 1, ये भी हो गया जी अपना। उसके बाद क्या था, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये चार्ट बनाना कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का चार्ट हम लोगों ने पहले बना नहीं रखा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का आपको चार्ट बनाना होगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, तीसरी चीज माइनस होनी थी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में दो बातें, बिफोर 1/4/1981, अगर आपने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/1981 करवाई है
या आपने कब करवाई होगी? ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1/4/1981 को। तो अगर आपने बिफोर 1/4/1981 से पहले करवाई है तो बेटा कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाएगा। कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाएगा मतलब कि अगर सर हमने कोई इंप्रूवमेंट करवाई है तो फिर उस खर्चे की हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। लिख लेना, अगर कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपने 1/4/1981 से पहले कराई है तो उस खर्चे की आपको डिडक्शन नहीं मिलनी, और अगर आपने बाद में कराई है तो मिलेगी, बाद में कराई है तो आपको मिलेगी, टेकन इनटू अकाउंट, टेकन इनटू कंसीडरेशन लिख लो, टेकन इनटू अकाउंट, हाँ अकाउंट एज अ कंसीडरेशन, मतलब कि जो भी उसकी कंसीडरेशन होगी वो आप लेंगे। उसके बाद इसमें एक फॉर्मूला भी लगेगा, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कितने की कॉस्ट लगी आपकी इंप्रूवमेंट की, वो कॉस्ट आ जाएगी, मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कब की लगाई होगी आपने? आफ्टर 1/4/1981 के बाद जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लगी, मल्टीप्लाई में ईयर ऑफ ट्रांसफर, मल्टीप्लाई में क्या? ईयर ऑफ ट्रांसफर, और ईयर ऑफ ट्रांसफर का क्या लेना होगा बेटा? इंडेक्स लेना होगा, ठीक है ना? इंडेक्सेशन कब लेना होगा? जब ये लॉन्ग टर्म होगा। ये कहानी कब करनी है? जब लॉन्ग टर्म की कहानी हो। और नीचे क्या आएगा? ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, इस बार यहां पे नीचे ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा, किस साल इंप्रूवमेंट करवाई, तो ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट किसने किया होगा? बाय, हाँ जी, बाय द एसएससी, एसएससी ने किया होगा। एसएससी का मतलब हिमसेल्फ वाला केस, एसएससी का मतलब हिमसेल्फ वाला केस। और क्या हो सकता है? प्रीवियस ओनर भी तो हो सकता है, प्रीवियस ओनर भी क्या कर सकता है? इंप्रूवमेंट कर सकता है। तो अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, डिटेल में समझेंगे इसको। तो ये कब करते हैं हम लोग? ये हम करते कब है? जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और हमें इंडेक्स करना होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही इंडेक्स होता है। शॉर्ट टर्म में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, लिख लेना, शॉर्ट टर्म में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, तो शॉर्ट टर्म के अंदर ये फॉर्मूला नहीं लगना। चलें आगे। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमने किया था कि आपकी जो कैपिटल एसेट है वो आपने कब खरीदी होगी, मतलब कि इंडेक्सेशन करने के लिए। तो कैपिटल एसेट दो बातें की थी हमने, या तो हिमसेल्फ खरीदी होगी, मतलब कि खुद खरीदी है, या वो कैपिटल एसेट प्रीवियस ओनर से मिली होगी, या वो कैपिटल एसेट प्रीवियस ओनर से मिली होगी। तो अगर आपने खुद खरीदी है, एक छोटी सी करेक्शन कर लेना, यहां पे बिफोर कर देना उसको, मैंने ऑन और बिफोर करवा दिया था, बिफोर 1981 है वो, यहां पे आएगा ऑन और बिफोर, ऑन और आफ्टर, सॉरी ऑन और आफ्टर 1/4/1981, ये करेक्शन कर लेना आप। तो हिमसेल्फ के केस में हमने प्रॉपर्टी 1/4/1981 से पहले खरीदी, या ऑन और आफ्टर 1/4/1981। हां जी, अगर आपने पहले खरीदी थी तो उसमें आपको दो चीजें चेक करनी है, अगर आपने पहले खरीदी थी तो उसमें आपको दो चीजें चेक करनी है, एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कि आपने वो कितने की प्रॉपर्टी खरीदी, और फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू कब की? एज ऑन 1/4/1981 की। तो ये क्वेश्चन में गिवन होगी, और दोनों में जो क्या आएगी बेटा? हायर, दोनों में जो हायर आएगी वो वैल्यू हमें लेनी है,
दोनों में जो हायर आएगी वो वैल्यू हमें लेनी है, और फिर उस हायर को मल्टीप्लाई करना है। उस हायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे ईयर ऑफ ट्रांसफर से और ईयर ऑफ 1981-82। मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया सीधे, और 1981-82 का नीचे क्या आएगा सीधे, अगर मैं आपको बोलूं तो 100 आएगा भाई यहां पे सीधे। 81-82 का जो इंडेक्स है वो 100 है, हमेशा 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 इस केस में 100 ही आना है। समझ में आ गया होगा। अगर मैं आफ्टर की बात करूं तो वहां पे क्या था सर, वहां पे बिल्कुल ही सिंपल था, वहां पे आप कॉस्ट ले लो, कॉस्ट कौन सी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो और मल्टीप्लाई में क्या कर दो, वही ईयर ऑफ ट्रांसफर और ईयर ऑफ एक्विजिशन। और यहां पे ईयर ऑफ एक्विजिशन कुछ भी हो सकता है, 85-86 या जो आपका बॉर्न है 96-97, यही होगा मेरे ख्याल से, है ना, 98। ओ भाई 2000 वाला तो नहीं कोई बैठा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप दूसरी साइड जाएं तो प्रीवियस ओनर की कहानी थी, प्रीवियस ओनर की कहानी थी, इसमें भी दो बातें थी, अभी आ रहे हैं उसमें, स्पेस है नहीं, अगले पेज पे करते हैं इसको। प्रीवियस ओनर देखें जी, प्रीवियस ओनर आप वहीं पे बना लेंगे, प्रीवियस ओनर, और इसमें बंबई हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी तो उसकी वजह से बड़ी दिक्कत आई थी हम लोगों को लास्ट क्लास के अंदर, मंजुला जे शाह, ठीक है जी, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत आई थी, तो आज मैं उस दिक्कत को सिंप्लीफाइड कर रहा हूं आपके लिए कि बिफोर 1/4/1981 और ये ऑन और आफ्टर 1/4/1981। अगर बिफोर है तो आपको पता ही है, बिफोर में क्या करोगे सर, कॉस्ट जो हमने पीछे किया था सेम कॉपी पेस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/1981 विच एवर इज हायर, और वही हायर को फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, वेरी गुड, ईयर ऑफ ट्रांसफर और नीचे क्या आएगा ईयर ऑफ 1981-82। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं डायरेक्टली, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला तो लिखना नहीं है, सीधे हमें आंसर निकालना है, तो सीएस वाले बच्चों के लिए शॉर्टकट हो जाएगा। अब इसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर ऑन और आफ्टर हुआ तो मेरे हिसाब से जो फॉर्मूला पीछे लिखा है वही है सेम कॉपी पेस्ट, पीछे भी हमने लिखा था ना हिमसेल्फ के केस में, तो हिमसेल्फ के केस में जो फॉर्मूला लिखा था वही यहां पे कॉपी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई में ईयर ऑफ ट्रांसफर और यहां पे क्या आएगा ईयर ऑफ एक्विजिशन, किसका ईयर ऑफ एक्विजिशन देखोगे, प्रीवियस ओनर का, बस ये ध्यान रखना है। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कशन किया था कि फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी नहीं लेना आपने, आपने प्रीवियस ओनर लेना है ड्यू टू मंजुला जे शाह हाई कोर्ट जजमेंट, तो हमें प्रीवियस ओनर लेना है। बात समझ में आ रही। अब एक बच्चे ने कहा कि सर अगर मान लो ऐसा केस हो जाए, क्योंकि ये बिफोर का मतलब तो क्या है कि सर जो प्रीवियस ओनर है उसका भी बिफोर और जो मिली है जिसको जिसको भी मिली है, जिसको मिली है मतलब एसएससी को जिसको मिली है वो भी क्या है बिफोर है, और यहां पे भी दोनों क्या है प्रीवियस ओनर भी आफ्टर है और जिसको मिली है एसएससी को मतलब सन या जिसको भी मिली है वो भी आफ्टर है। सर एक केस बन सकता है जिस केस में क्या हो सकता है कि सर फादर ने बिफोर ली होगी, फादर ने बिफोर 1/4/1981 से पहले ली होगी और सन को आफ्टर में मिली होगी 1/4/1981, तो क्या होगा, तो बेटा कुछ नहीं है क्योंकि अब मंजुला जे शाह की जजमेंट आ चुकी है बंबई हाई कोर्ट की, तो आप यहीं चले जाएंगे वापस,
आप इसी रास्ते वापस चले जाएंगे, और अगर आप इस रास्ते वापस जाएंगे तो यही आंसर हो जाएगा। हाँ जी, यही आंसर हो जाएगा। और आज की डेट में मतलब देखा जाए तो बस क्या है, फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। इसका मतलब जो जो हमने हिमसेल्फ के केस में फॉर्मूला पढ़ा था वही फॉर्मूला यहां कॉपी पेस्ट होगा, और हमें जिसको मिली है सन को वो प्रॉपर्टी मिली है प्रीवियस ओनर से, तो जिसको भी मिली है फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी उसकी कोई रेलेवेंस नहीं रह गई। तो अगर आपके एग्जाम में प्रीवियस ओनर का केस आया तो आप नीचे नोट देके आ जाना कि हमने ऐसा आंसर इसलिए निकाला है क्योंकि हाई कोर्ट की जजमेंट है मंजुला जे शाह। ठीक है जी, वो आप लिख के आ जाना, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। सीएस वालों को लिखना ही, सीएस वालों को लिखना ही। इसके बाद हमने एक सेक्शन और किया था 51, अगर आपको पता हो, एडवांस मनी का सेक्शन किया था। एडवांस मनी फोरफीट कर ली थी और कुछ नहीं है आज की डेट में। अगर आपने एडवांस मनी फोरफीट कर ली है, सेक्शन 51 जो हम लोगों ने किया था कि एडवांस मनी को, एक प्रॉपर्टी को आप बेच रहे हैं और एडवांस मनी आपने दी तो उसे हमने क्या कर लिया, फोरफीट कर लिया, फोरफिटेड। तो उस केस के अंदर हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो अमाउंट आपने फोरफीट की होगी उसे हम क्या करेंगे, आईओएस की इनकम मानेंगे। यस और नो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मानेंगे, और वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस नहीं होगा। तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से शैल नॉट बी डिडक्टेड, शैल नॉट बी रिड्यूस्ड, शैल नॉट बी रिड्यूस्ड, शैल नॉट बी रिड्यूस, तो वो आपको रिड्यूस नहीं करना है। तो ये भी समझ में आ गया था। उसके बाद हमने 45(3) किया था। तो 45(3) की मैं रिवीजन नहीं करा रहा क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से हमने कर लिया था, बट उसके साथ एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई थी और वो हमने पढ़ी थी। और वो कॉन्ट्रडिक्शन कहां से पैदा हुई थी, सेक्शन 50C से पैदा हुई थी। तो आज सेक्शन 50C आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सेक्शन 56C कि सर इसके अंदर ट्रांसफर जो कर रहे हैं वो लैंड और बिल्डिंग को कर रहे हैं या बोथ, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, और डेप्रिशिएबल एसेट भी हो सकती है और नॉन डेप्रिशिएबल भी। डेप्रिशिएबल कौन सी होगी, बिल्डिंग, और लैंड क्या होगी, नॉन डेप्रिशिएबल। ठीक है, लैंड क्या होगी, नॉन डेप्रिशिएबल। अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए। अब एक सेक्शन आया है 55(A), ये सेक्शन है जी वैल्यूएशन ऑफिसर, वैल्यूएशन ऑफिसर। तो आज की डेट में, ऑफिसर की स्पेलिंग सही कर लेना, आज की डेट में हमें क्या करना होगा, ध्यान से सुनना आप, हेडिंग डाल लेना सेक्शन 55(A) वैल्यूएशन ऑफिसर, हेडिंग डाल लेना फटाफट, पहले वैल्यूएशन ऑफिसर हेडिंग डाल लेना। डाल ली हेडिंग, अब आप देखो तो एक सेक्शन है 45(3) किस चीज के रिगार्डिंग है, कि सर पार्टनर है, पार्टनर ने क्या किया है, एक एसेट ट्रांसफर की है बिजनेस के अंदर, और जो एसेट ट्रांसफर की है बिजनेस के अंदर वो ऐसा कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसका। तो हमने कहा था कि टैक्स किसके हैंड में होगा, टैक्सेबल इन द हैंड्स पार्टनर, पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल होगा, मतलब कि कैपिटल गेन निकलेगा। तो कैपिटल गेन कैसे निकला था पार्टनर के हैंड में, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस में आपने तीन खर्चे किए थे, नंबर वन एक्सपेंस, नंबर टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नंबर थ्री कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। आपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिया था, द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो पैसा आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया होगा, अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में जो वैल्यू रिकॉर्ड हुई वो आपने यहां पे ली थी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और फिर उसके तीन खर्चे माइनस, और फिर उसके बाद आपके पास आंसर आ गया। वो आंसर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, बस अगर लॉन्ग टर्म होगा तो ये इंडेक्स किया जाएगा, ये भी इंडेक्स किया जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। बात समझ में आ रही,
पर अब कॉन्ट्राडिक्शन में कौन आया था, 50 सी और एक 55 डबल ए वैल्यूएशन ऑफिसर, तो अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, ठीक है जी। तो आपके लिए एक स्कोप है वहां पे, तो आप लोग वैल्यूएशन ऑफिसर बन सकते हो। अब ध्यान से देखें जी, तो एक सेक्शन 45(3), एक सेक्शन 50C और एक सेक्शन 55A, ये तीन सेक्शन अगर पढ़ोगे तो एक पिक्चर कंप्लीट होगी कि एक पार्टनर ने क्या किया है, कैपिटल एसेट, एसेट को कंट्रीब्यूट किया। ये तीन सेक्शन पढ़ने से पिक्चर कंप्लीट होगी। इसलिए टैक्स घर पे बैठ के या ऐसे ही नहीं पढ़ सकते आप, टैक्स पढ़ाने के लिए भी एक्सपर्टीज चाहिए, समझने के लिए भी एक्सपर्टीज चाहिए देखा जाए तो, वरना समझ में नहीं आएगी। क्योंकि एक सेक्शन था उसमें तीन, दो सेक्शन और लग गए, वैसे इसमें एक सेक्शन और लगेगा, वो आपको मैं बता दूं, सेक्शन 50 भी लगेगा इसमें, बट वो मैंने अभी कराया नहीं है, मैं करवाऊंगा। टोटल मिला के इसमें चार सेक्शन लगने वाले, चार सेक्शन एक सेक्शन के अंदर। 50 कुछ नहीं है, अभी बता देंगे आपको 50 क्या चीज है। 50 डेप्रिशिएबल एसेट के लिए बना हुआ है कि अगर कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसका अगर आप कैपिटल गेन निकालोगे तो हमेशा हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ ही नहीं सकता। तो सेक्शन 50 कहता है कि अगर आप डेप्रिशिएबल एसेट का, अगर आप किसी भी डेप्रिशिएबल एसेट का कैपिटल गेन निकालोगे तो हमेशा शॉर्ट टर्म आएगा, इसका मतलब इंडेक्सेशन होगा ही नहीं, चाहे फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग में क्या हो वो ज्यादा हो जाए, तो हमेशा क्या होना है वो डेप्रिसिएशन लगना है। पर ये ध्यान रहे कि डेप्रिसिएशन कहां लग पाएगा, जब पीजीवीपी होगा, या सुनो, क्योंकि अगर आपकी बात करें तो आपके लिए तो कैपिटल एसेट होगी ना, ठीक है ना। तो अभी बात करेंगे 50 की, वहां पढ़ लेंगे, अभी हमें किसकी बात करनी है, 55 कैपिटल ए और जो थोड़ा सा अधूरा रह गया था 50C। सेक्शन 50 भूल जाओ, मैंने अभी पढ़ाया नहीं। तो 50C में क्या हुआ वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताने जा रहा हूं, बट उससे पहले एक घटना घटी 45(3) के अंदर। वो क्या घटना घटी, पार्टनर ने कहा कि मैं एक एसेट देने जा रहा हूं, और वो एसेट मैं कैसे देने जा रहा हूं, एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो उसकी बेटा फेयर मार्केट वैल्यू, वो प्रॉपर्टी कौन सी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो थी वो थी मान लो 50 लाख, 50 लाख रुपीस, विद एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। गुस्सा किसको आ गया, डिपार्टमेंट को गुस्सा आ गया। डिपार्टमेंट ने कहा इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 60 लाख है, और हम तो कैपिटल गेन टैक्स किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, 60 लाख के अकॉर्डिंग। हम तो कैपिटल गेन किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, 60 लाख के अकॉर्डिंग। फिर एसएससी को भी तो गुस्सा आएगा, तो एसएससी के लिए एक सेक्शन बनाया गया है कि एसएससी कौन है, पार्टनर है, एसएससी कौन है, पार्टनर है। तो ये एसएससी कहां जा सकता है आज की डेट में, देखना ये एसएससी आज की डेट में कहां जा सकता है। तो ये एसएससी जा सकता है एओ के पास, ये एसएससी किसके पास जा सकता है, एओ, और एओ को बोलेगा सर मेरी मदद करो, क्योंकि जो स्टैंप ड्यूटी एक्ट है वो बोलता है कि ये प्रॉपर्टी 60 लाख की है और आप लोग 60 लाख पे टैक्स लगा रहे हैं, पर मैं आपको हकीकत बताऊं मैंने तो 50 लाख में ही बेची है। अब कहां मैं 10 लाख रुपए का अपनी जेब से कैसे भरूंगा 10 लाख के ऊपर और टैक्स। तो ठीक है, एओ आपकी बात को सेटिस्फाई कर लेता है, और कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करेगा, वो 55 कैपिटल ए, वो वहां पे अपॉइंट करेगा एओ वैल्यूएशन ऑफिसर को। बट यहां पे अपॉइंट करना एओ के लिए शैल नहीं है, मे है, और मे का मतलब समझते हो ना कि ऑप्शनल है, इसकी मर्जी है। तो पैसे खिलाओगे तो कर देगा, पैसे नहीं खिलाओगे तो नहीं करेगा, ठीक है जी। जहां मैं लिखा हूं कह रही उससे बढ़िया टैक्स पे 10 लाख, और कहां वो पता लग रहा है, लाख में ही मान जाए, क्यों भाई 1 लाख में ही मान जाए, फिर 9 लाख तो
अब वैल्यूएशन ऑफिसर ने प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली, अब मैं कौन सा सेक्शन कराने लग गया, 55A। तो वैल्यूएशन ऑफिसर जब प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालेगा तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालता है 70 लाख, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालता है 55 लाख, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालता है 40 लाख। अब आपने बताना है, यहां ध्यान से देखना, यहां क्या है 50 लाख, यहां क्या है 60 लाख, और अब नीचे बिल्कुल ध्यान से देखो, वैल्यूएशन ऑफिसर ने कितनी बोली है वैल्यू, 70 लाख रुपए। क्या स्टैम्प ड्यूटी से ज्यादा बोल दी? नहीं बोल दी, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी उससे भी ज्यादा बोल दी उसने। मतलब कि पहले एसएससी रो रहा था और अब तो बेचारा कहते ना फंस ही गया। जैसे कई बार क्या होता है, किसी की अरेंज मैरिज करवा दी, बेचारा फंस गया, और ऐसा फंस गया कि अब तो कुछ कर भी नहीं सकता। आ रही बात सुन? क्योंकि मान लो अगर लड़की क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, उसने लॉ पढ़ा हुआ, तो भाई आपकी साथ पुश्ते भी आ जाए तो भी वो कुछ कर नहीं पाएंगी, क्योंकि उसका जो दम है वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि पढ़ाई के अंदर उसकी कलम में दम आ गया। ठीक है जी, तो जो अत्याचार पहले होता था वो अत्याचार आप कर नहीं पाओगे, आप अत्याचार तो दूर की बात है, आप टच भी नहीं कर पाओगे, टच भी दूर की बात है, देखना भी बहुत मुश्किल होगा। तो 70 लाख, अब 70 लाख क्या, तो क्या 70 लाख लेंगे? नहीं नहीं, 70 लाख नहीं लेंगे। फिर पता है क्या मानेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही मान लेंगे 60 लाख, क्योंकि इससे ऊपर तो कुछ है नहीं ना भाई, लॉ कानून कहता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मानी जाती है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मानी जाएगी। अब 55 बोला है वैल्यूएशन ऑफिसर ने, वैल्यूएशन ऑफिसर ने देखो 60 लाख से कम बोला है अब, तो हम तो यही चाहते थे, हम तो यही नहीं बेटा, 55 कैपिटल ए आ गया ना, अब जो आपका मैक्सिमम था 50 सी वो चलने ही नहीं वाला, जो 50 सी था अब आपका वो मैक्सिमम नहीं चलने वाला, अब आप नहीं चाहोगे कि 55 ही चले, वो तो 60 के ऊपर लगा रहे थे, तो क्या चलेगा, 55 ही चलेगा, यही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा, यही आपका फुल वैल्यू। तो ये हमारे टैक्स के अंदर लूपहोल होते हैं और आप ये काम करवा सकते, तो ये 55 ले लिया। पर अगर 40 आ गया तो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 50, अब तो उससे भी कम बोल दी उसने, तो फिर एओ मानेगा उसकी बात को, एओ गया पगला गया, क्यों मानूं अब मैं इसकी बात को, क्योंकि अब तो मैं वही लूंगा ना जो मार्केट में, क्योंकि अब 50 सी बोलेगा कि भाई जो ज्यादा है बोले, तो यहां 50 सी की बात माननी जाएगी। 50 सी कहां नहीं माना जाएगा, यहां पे नहीं माना जाएगा, 55 में नहीं माना जाएगा, और वो 70 में भी नहीं माना जाएगा, वो यहां पे माना, यहां पे कितनी लेंगे 50 लाख, यहां पे कितनी लेंगे 50 लाख। पहले इतना समझ में आया या नहीं आया, दोबारा से, एसएससी किसके पास गया, एओ के पास, क्यों गया, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा थी, और एओ से क्या बोला कि सर मैं कहां से 10 लाख के ऊपर और कैपिटल गेन टैक्स दूं, तो आप वैल्यूएशन ऑफिसर, अच्छा ये वैल्यूएशन ऑफिसर किसने अपॉइंट किया होगा, एओ ने, आपका वैल्यूएशन ऑफिसर नहीं चलेगा, तो ये सीबीडीटी का ऑफिसर है, तो 70 लाख तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मानी, क्यों मानी गई ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, आपको बताइए, वो लॉ बना हुआ है, कानून बना है, तो अगर उसने उससे ज्यादा निकाल भी दी तो वो नहीं ली जाएगी। 55 लाख अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम आ गई है, तो भाई अब वही लेना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी भी यही चाहता था, एसएससी भी यही चाहता था, एसएससी चाहता तो 40 है इस केस में, पर 40 मिल नहीं पाएगा क्योंकि मार्केट में ही वैल्यू 50 लाख है, यहां 55 हो गया, यहां 55 हो गया, पर यहां ऐसे नहीं हो सकता कि 40 कर दोगे, क्योंकि वो तो इससे भी कम चला जाएगा। आ रही बात समझ में? इसीलिए फाइनेंस एक्ट 2016 में एक चेंज आया, क्या चेंज आया, लॉ मेकर ने एक बात को समझा और एक चेंज कर दिया, देखो जी क्या चेंज किया उन्होंने, 50 सी के अंदर क्या चेंज आ गया, तो ये नया चार्ट 50 सी का नया क्या चार्ट, जो आपने पहले बनाया था बस उसी में एक इंप्रूवमेंट हो जाएगी। पहले में क्या था, नो डिस्प्यूट, आपको कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, अगर आपको कोई डिस्प्यूट नहीं है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे, वही आपकी क्या मानी जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन।
भाई अगर आपको कोई डिस्प्यूट नहीं है तो फिर तो कहानी खत्म है। दूसरा डिस्प्यूट हो गया, अब डिस्प्यूट हो गया किसके रिगार्डिंग, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के रिगार्डिंग, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के रिगार्डिंग। बट अभी आप सेक्शन 55 कैपिटल ए में नहीं गए, आप इसमें नहीं गए, आप इसमें नहीं गए, तो फिर क्या होने वाला है आंसर? फिर सर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाएगी अगर हम नहीं गए तो। लास्ट केस में हमने देखो क्या किया था, हमने लास्ट केस में कहा था इफ फेयर मार्केट वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर, और ये वैल्यूएशन ऑफिसर कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू डिटरमाइन करेगा? 55 कैपिटल ए। एक बार सीए वाले बच्चे चेक कर लो सेक्शन, आपकी किताब में दिया होगा 55 कैपिटल ए। उसके बाद नहीं है, अच्छा तुम्हारे में नहीं, यह होगा ही नहीं ना सेक्शन तुम्हारे सिलेबस। इसमें दो बातें बेटा, अब जो फेयर मार्केट वैल्यू कौन निकालेगा? वैल्यूएशन ऑफिसर निकालेगा। वो क्या आई है? कम आई है, लेस देन है, वो लेस देन आई है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। जैसे हमारे एग्जांपल में फेयर मार्केट वैल्यू कितनी निकाली उसने? सर एक में 70 निकाली थी, एक में 55 निकाली थी, एक में 40 निकाली थी। वेरी गुड, सही कह रहा। और पांडे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी थी? 60 लाख की। तो फेयर मार्केट वैल्यू उसने कितनी निकाली है? 40। 40 भी कम ही हुआ ना, और 55 भी क्या हुआ? कम। यस और नो? फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो गई? लेस देन। तो हमने इस केस के अंदर जब उसने हमने इस केस के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू आंसर लिया, पर फेयर मार्केट वैल्यू कौन सा आंसर लिया? 55। और 40 वाले में 40 नहीं लिया, फिर हमने वो कौन सी फेयर मार्केट वैल्यू? सर जो मार्केट में चल रही थी वो ली, वैल्यूएशन ऑफिसर वाली नहीं ली, 50। ये ध्यान देना था क्योंकि वो पहले ज्यादा ज्यादा चल रहा था, अब नहीं चल पाएगा। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि मार्केट में क्या है और वैल्यूएशन ऑफिसर ने क्या निकाली। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर मार्केट वैल्यू से भी कम वैल्यू निकाल देगा फिर वो वैल्यू नहीं चलेगी, मार्केट वाली वैल्यू चलेगी। ये ध्यान देना ध्यान से। और अगर यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा आ गई, जैसे आई थी 70 लाख, यस और नो? ज्यादा आ गई थी किससे? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। कितनी आ गई थी बेटा? 70 लाख, और आपकी कितनी थी? 60 लाख। तो आंसर क्या आएगा? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 60 लाख। तो अब लिया जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू, बट बेटा वो फेयर मार्केट वैल्यू में पंगा है, वो फेयर मार्केट वैल्यू में ये पंगा है कि अगर मार्केट की वैल्यू ज्यादा और आपके वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू कम तो जो मार्केट वाली होगी वो लेगी। मतलब मार्केट वैल्यू से नीचे वैल्यूएशन ऑफिसर जा ही नहीं सकता, अगर चला भी गया तो भी आंसर यही होगा क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन में कौन बैठा है? 55 कैपिटल ए। आ गई बात समझ में? और ये मैंने आपको बताया था हम पीसीपी में सेक्शन 43 सीए भी पढ़ेंगे क्योंकि 50 सी में कैपिटल एसेट है और 43 सीए के अंदर, 43 सीए के अंदर क्या थी? वो स्टॉक इन ट्रेड। तो वो भी ध्यान रखना आप लोग, कहीं वहां मिस्टेक कर गए तो दिक्कत हो जाएगी। आगे चलते हैं। मैंने करा दिया चार्ट की फॉर्म में।
अब मैं आपको आगे क्या कराने जा रहा हूं, अभी ना 55 कैपिटल एक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सीएस वाले बच्चों के एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन आ जाए, सीए के एग्जाम में तो नहीं आएगा, तो फिर आता किसी को नहीं होगा, इसलिए सेक्शन 55 कैपिटल ए वैल्यूएशन ऑफिसर को केस लगेगा कब, तो तीन बातें, इसकी थ्योरी लिख लो आप, अब इस सेक्शन की थ्योरी लिख लो क्या है, तो पहला है एसएससी, अच्छा आप क्या हो एसएससी हो, और वैल्यूएशन ऑफिसर किसने अपॉइंट किया है, ये एओ ने, क्या आप भी वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हो किसी प्रॉपर्टी के लिए, यस, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, तो वो आपकी क्या कर सकता है, वैल्यू डिटरमाइन कर सकता है, और जो वैल्यू वो बोलेगा वही वैल्यू मानी जाएगी। हाँ, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई कॉन्ट्रडिक्शन है तो कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है फिर, ठीक है जी, और आपके वैल्यूएशन ऑफिसर की धज्जियां उड़ाई जा सकती है, तो ये थोड़ा सा खतरनाक काम हो गया। तो आज की डेट में मतलब देखा जाए तो फिर कोई अब वैल्यूएशन ऑफिसर की सर्विस लेगा भी, वो कहेगा लेके भी क्या फायदा है, अगर इनकम टैक्स वाले के कुछ सर पे हो गया उसको कि भाई नहीं मेरे को तो ज्यादा वैल्यू लग रही है, तो फिर हमारे पास एक ही हथियार है 55 कैपिटल ए, और वो भी वैल्यूएशन ऑफिसर किसका, जो सीबीडीटी ने अपॉइंट किया होगा, मतलब कि एओ ने अपॉइंट किया होगा, फिर वो प्राइवेट वाले नहीं चलेंगे, ये थोड़ी सी कहानी होगी, मतलब एक ऑडिट आप कराते हैं, एक ऑडिट फिर वो कह रहे हैं कि हम सीएजी ऑडिट कराएंगे, तो फिर वो आपकी ऑडिट वाली तो गई बहस पानी में, फिर जो सीएजी ने बोल दिया वो मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो फिर जेल जाओगे, पेनल्टी फाइन तो इंटरेस्ट तो पे करना है, पूरी बारात लेके आ जाएंगे आपके घर, ठीक है भाई, तो ये लिख लेना एसएससी, ये एसएससी ने वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट किया है, जो वो वैल्यू बोलेगा वही वैल्यू मानी जाएगी। दूसरी तरफ अब कौन अपॉइंट कर रहा है, एओ, एओ किसको अपॉइंट कर रहा है, वैल्यूएशन ऑफिसर को, तो जब एओ वैल्यूएशन ऑफिसर को अपॉइंट करेगा तो बताओ वैल्यूएशन ऑफिसर क्या निकालेगा आपकी प्रॉपर्टी की, फेयर मार्केट वैल्यू। अब जब वो फेयर मार्केट वैल्यू निकालेगा तो उससे पहले एओ ही चेक कर लेगा, वैल्यूएशन ऑफिसर से पहले एओ खुद ही रफली चेक कर लेगा कि मोर देन 25,000 रुपीस और 15% ऑफ वैल्यू विच एवर इज लेस, तो आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, 25,000 रुपए ज्यादा रखी गई है, आपकी प्रॉपर्टी 2,50,000 की है और ये लोग कितनी वैल्यू कह रहे हैं, 2,75,000 रुपीज, तो मोर देन कितना हो गया, 25,000, या आपकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की उसका 15% उतनी ज्यादा है, जो भी वैल्यू है प्रॉपर्टी की 10,00,000 है तो 10,00,000 का 15% कितना आता है, 1,50,000 मेरे ख्याल से, 1,50,000 रुपए, तो 1,50,000 रुपए या 25,000 रुपए, विच एवर इज लेस, तो लेस कितना, 25,000, मतलब कि जब एओ को लगेगा कि 25,000 रुपए का लफड़ा है मैक्सिमम आपकी प्रॉपर्टी को लेके, तो ही वो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास केस भेजेगा, अदरवाइज वो केस नहीं भेजने वाला, लीगली तो ऐसा है, लीगली ऐसा है, मतलब कि एकेडमिकली ऐसा है कि अगर 25,000 रुपए तक का केस होगा तो ही वो भेजने वाला, क्योंकि लेस लिखा हुआ है ना, लेस का मतलब कि 25,000 से ज्यादा आप जा ही नहीं सकते, बट प्रैक्टिकली आप जा सकते हो, ठीक है जी, तो क्लास के बाद पूछ लेना कैसे जाएंगे, मैंने थ्योरी बता दी। दूसरा क्या होगा जी, एओ खुद भी सुओ मोटो पता है ना क्या होता है, ऑन इट्स ओन मोशन वो खुद कह सकता है कि भाई वैल्यूएशन ऑफिसर इसकी वैल्यू की प्रॉपर्टी निकाल, मुझे शक है, ठीक है जी, मुझे शक है, तो वो करवा सकता है ये काम, तो डन। तो इस केस में उसकी वैल्यू कौन निकालेगा, वैल्यूएशन ऑफिसर, मतलब कि ये थ्योरी है, अगर आपके सीए के एग्जाम में बाई चांस आ जाए थ्योरी लिखने को तो आप थ्योरी लिख के आ जाना कि वैल्यूएशन ऑफिसर एओ कब अपॉइंट कर सकता है, तो थ्योरी में लिख के आ जाना कि एसएससी भी खुद करता है,
बट एओ भी करेगा, एओ जब करेगा तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाएगी, वो 25,000 और 15% विच एवर इज लेस, और एओ सुओ मोटो भी वैल्यूएशन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है। बस ये थ्योरी है इसकी, मतलब कि आप भी करवा सकते हो, एओ भी करवा सकता है और आपका खुद का भी वैल्यूएशन ऑफिसर हो सकता है, बट जिसकी आज की डेट में देखा जाए तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए अपने क्लाइंट को कभी वैल्यूएशन ऑफिसर की सर्विस दोगे या नहीं दोगे? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो आ गए आपके पास, डॉक्टर के पास पेशेंट आएगा, मरीज आ गया तो ले भाई दवाई तो ले ही ले, फिर चाहे कुछ हो जाए क्या करोगे आप? हाँ, मतलब इंसानियत और धर्म कोई रहा ही नहीं है ना भाई, अब तो हम जॉली एलएलबी हो चुके हैं, अब तो हम छोड़ने नहीं वाले भाई, केस आ गया है ना, हमें तो आता नहीं है पर ये केस सॉल्व करके रहेंगे, आ रही बात समझ में? पर देखा जाए फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि रिलेशन बनाओगे तो वो 10 क्लाइंट देगा। अब मेरे पास कोई स्टूडेंट आएगा, गलत एडवाइस कर दूं उसे तो भाई आगे चल के फ्यूचर में गलत हो जाएगा उसके लिए, उससे अच्छा तो एडवाइस करो ही मत और उसको बोल दो भाई तेरे को लग रहा है तो कर ले भाई, तेरे को ज्यादा जरूरत है तो तू करा ले ऑफिसर अपॉइंट, पर मैं नहीं करूंगा ये काम, मैं ये काम नहीं करने वाला। कई दुकानदार बहुत अच्छे होते हैं, आप जा रहे होते हो तो कोई आपको बताता है कि यार ये जो शॉपकीपर ये बड़ा अच्छा है, इसके यहां से सामान लेना, तो आप उसके यहां सामान लेने जाते हो तो वो पूछता है आपसे सर आप कहां से आए हो, तो आप उसे बताते हो कि रेफरेंस से आया हूं और मैं इतनी दूर से आया हूं, मतलब कि यहां से 60 किलोमीटर दूर, मान लो जैसे इनको इनका कोई शॉपकीपर है इनको पसंद है और इन्होंने मेरे को बताया मुझे वही सामान लेना है, मैं उसके पास चला गया, कह रहा सर क्या आप भी अपने घर के पास से वो चीज ले लेते, जितना आपका आने जाने में लग गया ये वो टाइम वहां से ले लेते। अब मैंने कहा नहीं सही, आपका अच्छा रिलेशन था ये वो, अब बात समझ में आ रही है? उसने सही एडवाइस दे दी यार, चीज तो वही है, यही माउस है, ठीक है जी। अब मैं अपने स्टूडेंट की शॉप में पहुंचा तो उसने क्या बोला कि सर माउस में चलो आपको मैं वही प्राइस देता हूं जिस प्राइस में मैं लाया हूं, सर ये बिल का प्राइस है यही दे दो, तो क्या मैं हमेशा उसी के पास चला जाऊं माउस लेने के लिए? और पता लग रहा है वो 60 किलोमीटर दूर रहता है। बात समझ में आ गई? जैसे क्या होता है, आज भी ना मैंने अकाउंट्स पढ़ाना छोड़ दिया, अभी आपको मैं दिखाऊंगा रिसेंटली, तो जैसे ही मैंने वो यूट्यूब में डाली तो बच्चों के मैसेज आ गए सर आप अकाउंट्स पढ़ा रहे हो तो आप बता दो कहाँ पढ़ा रहे हो, तो फिर मैंने क्या कहने रहा हूँ, पढ़ा ही नहीं रहा अभी, आ रही बात समझ में? तो वो कहानी होती है कि बच्चों का वो प्यार होता है, पर मैं उसको ये थोड़ी ना कह सकता कि नहीं भाई पढ़ा रहा हूं तो रुक जाए एक महीना और, पेपर नहीं आ जाएंगे उसके, तो मैंने सीधे उसे बोल दिया कि यार इतना बड़ा लक्ष्मी नगर है, इतना बड़ा वो दिलसाद गार्डन है जहां से भी बच्चे का, तो वहां पढ़ लो, कुछ तो पढ़ लोगे, अब मैं तो आ नहीं सकता या मैं पढ़ा ही नहीं रहा, तो बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं, पर गलत एडवाइस नहीं करना चाहिए। फिर मैंने कॉस्टिंग का बैच किया था, मेरे को कॉस्टिंग भी नहीं आती है, तो मैंने अपने घर पे जब पढ़ाया था बच्चों ने खुद टीचर रखा था वो चला गया, भाग जाते हैं कई बार टीचर, तो मुझे खुद पढ़ाना पड़ा, तो बच्चों ने मैंने पढ़ाया बच्चों को, मैं खुद स्टेज में खड़े होकर कहता था मुझे आती नहीं है, पर मैं पढ़ाता था और मार्क्स भी अच्छे मतलब जितने बच्चे थे हमारे कॉस्टिंग के सारे पास हुए, 68 हाईएस्ट आए थे, पर मुझे आती नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि मैं समझता हूँ आने का मतलब कि 100% आना और आपका इंटरेस्ट होना उस सब्जेक्ट के अंदर, अब इंटरेस्ट ही नहीं है कॉस्टिंग में क्या करूँ, बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है। चलें जी आगे, फिर हमने एक चार्ट बनाया था अगर आपको याद हो, तो वो चार्ट क्या आज दोबारा बनाना पड़ेगा, देखते हैं दोबारा उसके लिए, चार्ट हम लोगों ने बनाया था, बंद कर दे थोड़ी देर, रुक जा, ये लो
देखो जी हमने क्या चार्ट बनाया था, सेक्शन 45 हमने एक मतलब लिखा था कि यहाँ पे सेक्शन कौन सा, तो 45 3 लिया था हमने, फिर हमने उसमें लिखा था ट्रांजेक्शन, यस और नो? ट्रांजेक्शन में आपने लिखा था कि आप लोग क्या कर रहे हैं ट्रांजेक्शन में, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, है ना, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इनटू द पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई, फिर आपने दो कॉलम और बनाए थे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा और ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी क्या होगी। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानेंगे, अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बट आज उसकी एक्सेप्शन में 50 सी आके बैठा है, तो 50 सी के साथ 55 कैपिटल ए भी देखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? और ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी क्या होगा, इन विच, इन द ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर वर्ड नहीं लिखा था आप लोगों ने, प्रीवियस ईयर, फिर तो प्रीवियस ईयर इन विच, क्या बात है यार आधा अधूरा, प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, वेरी गुड। तो प्रीवियस ईयर लेंगे पिछला साल जिस साल वो ट्रांसफर हुआ है। आ गई बात समझ? अब मैं इसके आगे जो सेक्शन लेने जा रहा हूं आज 45(4) लेने जा रहा हूं, 45(3) ले लिया ना मैंने, तो 3 के बाद किसका नंबर आएगा, 4 का। फोर इसका उल्टा है, यहां पार्टनर लेके आ रहा था, अब पार्टनर को आप दोगे। अच्छा यहां पे टैक्सेबल किसके हैंड में था, वो एक लिख लेना कि पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल था कैपिटल के। अब आ रहा है जी 45(4), 45(4) चौका मार दिया देखो, तो ये चौका क्या मारा है, डिसोल्यूशन ऑफ, डिसोल्यूशन मत लिखो वैसे तो पूरी हेडिंग तो यही है वैसे, पर आप सिंपल शॉर्टकट में लिख लो, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन डिसोल्यूशन, ऑन डिसोल्यूशन और अदरवाइज, अदरवाइज तो आपकी फर्म डिसॉल्व हो गई या कोई पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, अदरवाइज का मतलब कोई पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, तो बाय किसको दे रहे हो आप, ये एसेट आप किसको दे रहे हो, पार्टनर को, ये आप ये एसेट किसको दे रहे हो, मेंबर को, जो किसका मेंबर होगा, एओपी बीओआई, पता है ना एओपी क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बीओआई क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, गधे, है ना सर, ये तो फुल फॉर्म है, कोई नहीं जो ऑनलाइन देख रहा उसको पता लगना नहीं चाहिए ना एओपी का मतलब क्या है, उसको यही पता होगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बट ये मतलब नहीं है, ये फुल फॉर्म है। अच्छा जी उसके बाद यहां पे क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोगे, तो यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बोला है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ऊपर क्या ली थी पार्टनर वाले में, जो अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या 50 सी आएगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लोगे, या 55 कैपिटल आ जाएगा वैल्यूएशन ऑफिसर, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है यहां तक। और भाई यहां पे आएगा प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, जिस साल ट्रांसफर हुआ उसी साल कैपिटल गेन होगा। तो यहां बताओ कैपिटल गेन किसके हैंड में होगा, हाँ जी कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड्स, किसके हैंड में, हाँ जी नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म किसको दे रही है ये एसेट, पार्टनर को, तो कैपिटल गेन किसको होगा, पार्टनरशिप
फार्म को, कई बच्चों को यही नहीं पता लगता, इसमें टैक्स का पेपर भी पास हो रखा होगा, फाइनल में भी आके बैठ गया होगा, शायद सीए भी बन गया हो, सीएस भी बन गया हो, और ये अभी तक नहीं पता हो, तो भाई बेड़ा गर्क आपका, बदनामी करा दी आपने हमारे प्रोफेशन की। पार्टनरशिप फर्म ऑन कर देना, गर्मी हो गई। पार्टनरशिप फर्म आगे चलते हैं जी। इसमें अब इसका बनाएंगे चार्ट, किसका चार्ट, 45-4 का। तो 45-4 का चार्ट बनाएंगे, तो 45-4 में क्या हो रहा है, कि सर एक है पार्टनरशिप फर्म और उसका है पार्टनर, और सर इस पार्टनरशिप फर्म का क्या हो गया, डिसोल्यूशन, खत्म हो गई ये पार्टनरशिप फर्म, और जब ये पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई है तो क्या हो रहा है, हाँ गुड सर, ये पार्टनरशिप फर्म क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल एसेट, और ये कैपिटल एसेट किसको दे रही है, पार्टनर को जा रही है ना ये एसेट, तो ये एसेट पार्टनर को जा रही है। अब जो एसेट पार्टनर को जाएगी वो दो तरीके की एसेट हो सकती है, या तो डेप्रिशिएबल एसेट हो सकती है, या तो वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हो सकती है, यस और नो। और अभी मैंने बताया कि अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो कौन सा सेक्शन आएगा पिक्चर में बेटा, 50, हाफ सेंचुरी हो गई, देख ले सेक्शन 50 पिक्चर में आ जाएगा, तो सेक्शन याद रहेगा ना, हाफ सेंचुरी मार ली इसने, तो 50, 2020 में तो शतक कम ही लगते ना, कल का मुझे पता नहीं ना, क्योंकि इस बार का आईपीएल भी नहीं देख रहा, टाइम ही नहीं, आपके पास टाइम ज्यादा है ना, तो सेक्शन 50 कहता है ओनली और ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बेस्ड अपॉन द पार्ट बेस्ड अपॉन द पर्टिकुलर्स ब्लॉक ऑफ एसेट। ये आपको बताऊंगा ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है, पीसीपी के अंदर पढ़ेंगे ब्लॉक ऑफ एसेट, ठीक है ना। और अगर ये नॉन डेप्रिशिएबल है तो उस केस में क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग ब्लॉक ऑफ एसेट। तो ध्यान से देखना अब इसको, तो पार्टनरशिप फर्म का क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, और कैपिटल एसेट किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब वो डेप्रिशिएबल भी हो सकती है और नॉन डेप्रिशिएबल भी हो सकती है। बेटा अगर वो डेप्रिशिएबल है तो कभी भी इंडेक्सेशन आप नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 50 कहता है शॉर्ट टर्म। हाँ इसकी एक एक्सेप्शन है, सेक्शन 32 आप लिख लो, इसकी एक एक्सेप्शन है,
मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, मैं चलो यहीं पे बता देता हूं। वैसे इसकी एक एक्सेप्शन है, उसमें लॉन्ग टर्म हो सकता है, सेक्शन 32(1)(i) रेड विथ रूल 5(1) कैपिटल ए पीसीबीपी के चैप्टर में। और वो एक्सेप्शन कहां पे, पावर जनरेशन या पावर जनरेटिंग यूनिट्स, जो कंपनियां बिजली बनाती हैं, तो जो कंपनियां बिजली बनाती हैं वहां पे इसकी एक्सेप्शन है, तो वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। तो डेप्रिशिएबल एसेट में हमेशा 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 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा हमेशा, या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, कभी भी लॉन्ग टर्म निकल ही नहीं सकता। बट एक एक्सेप्शन जो बिजली बनाती है कंपनियां, सेक्शन 32(1)(i) मैं आपको करवाऊंगा पीसीपी के अंदर, तो एक एक्सेप्शन है इसका। इतना समझ में आया कि या तो डेप्रिशिएबल एसेट होगी या नॉन डेप्रिशिएबल होगी। डेप्रिशिएबल होगी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, कभी भी लॉन्ग टर्म होगा नहीं। अगर नॉन डेप्रिशिएबल है तो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक कर लेंगे। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने तो शॉर्ट टर्म, 36 महीने से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म। और पांच एक्सेप्शन वो आपको पता ही है, शेयर्स, डिवेंचर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स, डेप्ट यूनिट्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब यहां पे कबाब में हड्डी है, मतलब कि एक चीज है जो आपको परेशान करेगी, और हम अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड भी बोलते हैं, यस और नो? स्टॉक इन ट्रेड मतलब, आपने तो कहा था कि सर स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता। अब ध्यान से सुनो, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई है तो क्या वो अपनी एसेट दे सकती है? वो कौन सी एसेट होगी? सर वो कैपिटल एसेट हो सकती है और अदर देन कैपिटल एसेट भी हो सकती है। और अदर देन कैपिटल एसेट क्या, कि सर जो हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। तो स्टॉक इन ट्रेड क्या कैपिटल एसेट है? नहीं, वो कैपिटल एसेट तो नहीं है, पर क्या पार्टनरशिप फर्म उसे दे सकती है पार्टनर को? कोई पार्टनर कह रहा है मैं लेके जा रहा हूं स्टॉक इन ट्रेड को, तो लेके जा सकता है। तो अगर स्टॉक इन ट्रेड को लेके जाएगा तो क्या कैपिटल गेन होगा? ना, फिर कैपिटल गेन नहीं होगा। किसको यहां पे टैक्सेबल, किसके हैंड में? पार्टनरशिप फर्म के हैंड में। तो पार्टनरशिप फर्म को अगर वो स्टॉक इन ट्रेड पार्टनर को देती है, मान लो उनका फर्नीचर का काम था, तो वो फर्नीचर किसको दे देते? पार्टनर को दे देते, उनके लिए तो वो स्टॉक इन ट्रेड था ना। तो उस केस के अंदर बिजनेस इनकम होगी। कौन सी इनकम होगी? बिजनेस इनकम होगी। तो पार्टनरशिप फर्म अगर कुछ देगी तो हमेशा कैपिटल गेन ही होगा, बट अगर वो स्टॉक इन ट्रेड देगी तो बिजनेस इनकम होगी। बंद कर दो यार इसे। नहीं, फैन भी मत चला, जो मैं चाहूंगा बस वही चलेगा, तू झेल। अब बेटा इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। बाकी सीए वाले बच्चे पेज नंबर निकाल लेना, सीएस वालों को बस देखना है। बच्चा नहीं होता, दूध पीना होता है, ठीक है, वो वाली बात होती है, है ना? कोई नहीं बेटा, दूध इसको नहीं मिलने वाला, वो तू दे सकता है, हम नहीं देंगे, ठीक है। आप देखो ये ध्यान से, ये रहा 45(4), तो यहां पे हमारे पास जो इसका क्वेश्चन है वो ये है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्वेश्चन, ध्यान से देखना इसको, नजर आ रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना सीए वाले बच्चे। अब अगर आप ध्यान से 7.16, बिल्कुल ध्यान से देखो, जिसके पास नहीं है उसे तो सामने ही देखना है, सीएस वाला तो सामने ही देखेगा।
एक पार्टनरशिप फर्म है, क्या है? पार्टनरशिप फर्म। और इस पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर? तीन। कौन कौन? हमें कैसे कोई भूल सकता है? देखो आर लिखा हुआ है ना, आर आर वाला और कोई है क्लास में? गुड, एक ही बच्चा और। द फर्म इज डिसॉल्व। फर्म क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। कब डिसॉल्व हो गई? 31 मार्च 2017। अब फर्म के पास देखो जी, फर्म के पास क्या क्या है? फर्म के पास मशीनरी है। फर्म के पास क्या है? मशीनरी। और क्या है फर्म के पास? स्टॉक है और लैंड है। पहले तो ये डिसाइड करना है आपको, देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है जो मैंने सिखाया, डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल। इसमें से ये बताओ डेप्रिशिएबल कौन सी और नॉन डेप्रिशिएबल कौन सी? मशीनरी क्या है? डेप्रिशिएबल। मशीनरी है आपकी डेप्रिशिएबल। उसके बाद स्टॉक क्या है आपका? हाँ जी, नालायक को लैंड हम, ओ सॉरी लैंड नहीं, स्टॉक हमारी कैपिटल एसेट है ही नहीं, नॉट अ कैपिटल एसेट। ये हमारी कैपिटल एसेट ही नहीं है, मतलब इसमें कैपिटल गेन आएगा ही नहीं, बिजनेस इनकम आएगी। और लैंड क्या है हमारी? डेप्रिशिएबल। डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल। क्या है? नॉन डेप्रिशिएबल। समझ में आ गया यहां तक? अब बताओ जो नॉन डेप्रिशिएबल है उसमें क्या आना है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आ सकता है, लॉन्ग टर्म भी आ सकता है। पहले नॉन डेप्रिशिएबल निकाल लेते, सबसे आसान है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खरीदी थी 10,000 में, फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है, और मैंने आपको कहा था कि फेयर, देखो आंसर कैसे निकालोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस में तीन खर्चे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? अभी हमने बोला था कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ये देखो हमने लिखा था, अगर आपको नहीं मालूम तो ये हमने चार्ट बनाया था अभी, कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर का मतलब कि जिस दिन हमारा डिसोल्यूशन हुआ, फर्म डिसॉल्व हो गई। तो बताओ जी क्या लेंगे? 8,00,000 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया, माइनस में क्या करेंगे? एक्सपेंस। क्या बेचते टाइम पे कोई खर्चा हुआ? कोई ब्रोकरेज? कुछ भी? कुछ नहीं हुआ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे तो पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालेंगे। पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना पड़ेगा, शायद इंडेक्सेशन करना पड़ जाए। तो पार्टनरशिप फर्म ने कब खरीदी थी बताओ? अब जैसे ही आपने बोला इंडेक्स होगा, होगा तो फिर यहां पे क्या होगा? हाँ नहीं नहीं, उससे पहले ये हिमसेल्फ है या प्रीवियस ओनर है? ये हिमसेल्फ है। और अगर ये हिमसेल्फ है तो बिफोर 1/4/1981 या आफ्टर? ये बिफोर है। और अगर ये बिफोर है तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/1981 विच एवर इज हायर वो ली जाएगी। और आपको नजर आ रही है विच एवर इज हायर, इस दिन 10, उसे भी ग्रीन कर देते सेम हो जाएगा ना। फिर देख लो इस दिन 10 है और इस दिन कितनी है? 70। तो 10 या 70, 70,000 मल्टीप्लाई में ईयर ऑफ ट्रांसफर। ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या? 16-17। ये आपका ईयर ऑफ ट्रांसफर है, ये आपका ईयर ऑफ ट्रांसफर है 16-17। 1125 डिवाइड में क्या? हमेशा 100, 81-82 का 100 आएगा। तो बच्चे ने आंसर निकाल लिया, हमने भी निकाल लिया बेटा। ये देखो जी, सबसे पहले उसने बोला यहां पे कहां गया? लैंड थी ना, लैंड का आंसर कहां निकाला है? ये तो अच्छा ये रहा, ठीक है। तो देखो जी 8,00,000 आ गया, 8,00,000 आ गया। फिर 8,00,000 आने के बाद 70,000, ये दिख रहा है ना, 70,000 मल्टीप्लाई में 1125 और डिवाइड में क्या? 100। तो ये इसमें से माइनस करेगा, आंसर आ जाएगा 12,500। 12,500 समझ में आया या नहीं आया? तो मेरा मन कर रहा है,
नहीं कि ये दो केस है, आप खुद आंसर निकालोगे। दो का मतलब इसका तो निकाल ही सकते हो, डेप्रिशिएबल का। और उसका तो निकाल नहीं। अब देखो ध्यान से, मैं ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी चार्ट बना देता हूँ कि अगर सीए के एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया या सीएस के, तो लिख लेना प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चार्ट है ये। वो तो थ्योरी हो गई थी ना, तो अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो देखो क्या चार्ट है। एसेट होगी, किसकी एसेट है पता है ना आपको, पार्टनरशिप फर्म की। या तो कैपिटल एसेट होगी या तो अदर देन कैपिटल एसेट होगी। एग्जाम्पल के लिए स्टॉक इन ट्रेड, यस और नो? एग्जाम्पल के लिए स्टॉक इन ट्रेड। बेटा चार्ट फॉर्म में तो कोई सा भी न्यूमेरिकल निकल जाएगा। अब या तो वो नॉन डेप्रिशिएबल और या तो वो डेप्रिशिएबल। फैन ऑन कर दो। या तो वो डेप्रिशिएबल या तो वो नॉन डेप्रिशिएबल। और दूसरी तरफ क्या है, स्टॉक इन ट्रेड रखा है हमने, स्टॉक इन ट्रेड ये हमने एज अ एग्जाम्पल रखा है। तो अगर नॉन डेप्रिशिएबल थी तो बताओ आंसर कैसे निकाला। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस में तीन चीजें, पहला एक्सपेंस, दूसरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और तीसरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर ये लॉन्ग टर्म हुआ तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो आप निकाल लोगे। अब डेप्रिशिएबल होगी तो आंसर कैसे निकलेगा वो देखना ध्यान से। यही सेम कहानी नहीं हो जाएगी, फुल वैल्यू मतलब ऐसे कॉलम बना लो ना, तीन कॉलम नहीं बन गए सीधे, बढ़िया से तीन कॉलम बना लेते आप ऐसे। ये पहले वाली में कौन सी लिखी है मैंने, नॉन डेप्रिशिएबल वाली, दूसरे में कौन सी लिखी है डेप्रिशिएबल, और तीसरे में कौन सी लिखी है स्टॉक इन ट्रेड। ये देखो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने का स्टाइल, दुनिया जहां का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका गलत ही नहीं हो सकता। कभी अकाउंट्स या कुछ ऐसे पढ़ा कभी कुछ, ऐसे पढ़ने कहानी खत्म हो जाएगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से ये तीन चीजें माइनस करना, ये आंसर आ जाएगा अंडा। डेप्रिसिएशन, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो वही लोगे, कौन सी लोगे सर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। यहां पे भी तो क्या लिया है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो यहां पे भी वही लेनी है। स्टॉक इन ट्रेड में वही लेनी है, सिंपल नहीं हो गया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है। और ये मैंने पहले टेबल में बता दिया था कि आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, क्योंकि ये डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। क्या है डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तीनों केस में यही लेनी है, तीनों केस के अंदर, तीनों केस में आपको यही लेनी, सिंपल हो गया ना। खर्चा तीनों केस में सेम होगा भाई, खर्चा खर्चा होता है, खर्चा खर्चा होता है। हाँ बस स्टॉक इन ट्रेड में आपको खर्चा नहीं लेना है क्योंकि वह स्टॉक इन ट्रेड की बात कर रहा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब वो कहानी आ गई कि भाई अब तो लॉन्ग, यहां तो हमेशा शॉर्ट टर्म ही आएगा, यहां कभी लॉन्ग टर्म आ सकता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पे हाफ सेंचुरी हो गई है, सेक्शन 50 है, यहां पे सेक्शन 50 बोल रहा है कि कभी लॉन्ग टर्म आएगा ही नहीं। तो यहां पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ेगा, और आपको क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो कैसे निकलेगा, देखो नीचे नीचे हम स्टार बना के, यहां स्टार बना के यहां लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगा। किसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल रहे हो, वेरी गुड, डेप्रिशिएबल एसेट का। तो देखो जी कैसे निकलेगा, ओपनिंग WDV, ओपनिंग WDV पता ही है ना इसको, अकाउंटेंसी आ गई, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू प्लस एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर। एडिशन का मतलब परचेज ड्यूरिंग द ईयर, करते नहीं थे अकाउंट्स में, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। कभी अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन लगाया एसेट पे,
तो आपने देखा होगा कि हमने उसे खरीदा कितने का था, फिर क्या ड्यूरिंग द ईयर दोबारा से तो नहीं खरीदी, फिर आपने वो भी ऐड किए, फिर आप महीने के हिसाब से लगाते। बस यहां महीनों का चक्कर नहीं है, यहां महीनों का चक्कर नहीं। तो ये दोनों वैल्यू लोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू लेने के बाद COA, COA का मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया तो कहानी खत्म। कहानी क्या खत्म, ऐसी सेम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी सेम ऐसे ही निकलेगा। तो आओ बेटा सोल्यूशन निकालते हैं। इस संडे पता है ना आपको सीएस जून 2017 एक्स्ट्रा क्लास, कहां जाएगा तो मैं क्या करूं, अब मैं ये तो बोल नहीं सकता जो मतलब जो भी है, मतलब मैं तो बस ये कहूंगा भाई मेहनत कर, वो मैं बोलता नहीं ऐसी चीजें। मतलब बच्चे बता रहे थे, किसी ने बोला कि भाई फिर सीए ही छोड़ दो अगर पढ़ नहीं पा रहे, तो मैं तो ये बोलूंगा नहीं, आप मैं तो ये कहूंगा कि भाई बस मेहनत कर। अब कल मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, तो एक लड़की बिजनेसमैन की लड़की थी वो, तो वो आई मेरे पास क्लास में, तो मैं कह रही सर कैसे बच्चे क्लास में फाइनल में नालायक ऐसा क्वेश्चन पूछते, अब मैं और कह रही सर आप बताते भी हो, मैं क्या करूं बताना पड़ता है, क्वेश्चन इतना बेहूदा था मतलब सोच भी नहीं सकते। आ रही जी बात समझ में, नहीं नहीं पढ़ने से रिलेटेड ही पूछते हैं भाई, इतना तो होश होता ही है। अच्छा जी क्या है, हाँ इसका क्वेश्चन देखो, देखो आप क्या करते हो, आपके पास ज्यादा बर्डन है असली में, बर्डन तो हमारे पास, अच्छा झूठ बोल दिया क्या, तुम्हारा बर्डन नहीं है, अच्छा देखना लाइट चली गई तो ये चल नहीं पाएगा क्या, एसी बंद कर दे, इसे बीच में छोड़ दूं, इतना मत रो ठीक है, फिर वो हो नहीं पा रहा हमारा, हमारा हो नहीं पा रहा ये बोल के तू कर नहीं रहा, घर तो होता ही है, करता ही नहीं तो होगा कहां से, फैन बंद कर दे थोड़ी देर के लिए गर्मी में मर जाएगा, लाइट भी बुझा देते हैं सर ऑफ कर लाइट ऑफ कर, पीवीआर वाली फीलिंग आएगी, वो मैं दिलाऊंगा तेरे को क्लास में। चलो जिन बच्चों के पास बुक है बुक में ही देखो ध्यान से, आ रहा है स्क्रीन में आ रहा है। अच्छा मैं वही बात बता रहा था, क्या बात थी उसमें बोल रहा था, अच्छा हाँ मेहनत, असली में मेरे को ऐसा लगता है कि मेहनत आप ज्यादा करते हैं, मतलब मेरे कंपैरिजन में या मतलब जो भी टीचर होता है उसके कंपैरिजन में बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं। बच्चे क्यों ज्यादा मेहनत करते हैं भाई, एक सब्जेक्ट तो है नहीं पढ़ने के लिए, सात हैं कईयों के पास, चार हैं कईयों के, छह कईयों के पता नहीं क्या, और लाइफ में पता नहीं कितनी टेंशन है, और यहाँ तो एक ही काम है बस टैक्स और कुछ नहीं, मतलब 24 घंटे में से 16 घंटे भाई टैक्स का ही काम कर रहे हैं और कोई काम रह ही नहीं गया, तो मुझे लगता है कि 16 घंटे मेरे तो आप 8 घंटे भी पढ़ लोगे, अगर आप 8 घंटे भी पढ़ लेते तो भी क्या होता बहुत होता, पर 8 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे चार, तो जिनके एग्जाम है यार जिनके पेपर है, पेपर तभी पास होगा अदरवाइज पेपर पास नहीं होगा, आप देखो कि पेपर पास करना है या नहीं करना है।
ये वाला बटन पीछे का, अच्छा ये प्रोजेक्टर का है, ये पीछे का है, नहीं वो कैमरे को इफेक्ट करे। डेप्रिशिएबल एसेट की बारी आ गई किसकी, मशीनरी की, किसकी बारी आ गई मशीनरी की। तो मशीनरी हमने खरीदी कितने में थी, 7,20,000 में, 7,20,000 नजर आ रहा है आपको, 7,20,000। उसके बाद अगर आप देखोगे जिस दिन हमारी फर्म डिसॉल्व हुई है उस दिन कितने की है, 5,00,000 की। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 5,00,000 माइनस में क्या होना है खर्चा, माइनस में क्या होना है एक्सपेंस। तो मैंने यहां पर बोला था कि आपको एक्सपेंस मिल जाए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको लेनी है। और वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे मिलेगी, ओपनिंग WDV, तो ओपनिंग WDV आपके पास कितनी है 4,00,000, ये क्लोजिंग है वैसे आपके पास, ओपनिंग आपके पास मेरे ख्याल से दी है क्या, नहीं दे रखी। तो ओपनिंग प्लस ओपनिंग WDV प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर इक्वल टू क्या आएगा, क्लोजिंग WDV। तो क्लोजिंग आपके पास दे रखी है, नहीं नहीं फिर निकालनी नहीं ना, असली में ओपनिंग प्लस में एडिशन इक्वल टू में क्या आएगा क्लोजिंग। तो क्लोजिंग को ही आप क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो वो आपके पास गिवन है तो आपको निकालने की जरूरत है ही नहीं। तो आंसर कैसे निकलेगा ये देखो, हमेशा शॉर्ट टर्म आएगा, सेल कंसिडरेशन कितनी बेटा 5,00,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे 4,40,000 जो आपने WDV निकाली। और ये WDV कैसे निकलती है, ओपनिंग WDV प्लस परचेस ड्यूरिंग द ईयर, 60,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। समझ में आया या नहीं, तो बस उसके अंदर डालना था आंसर आ जाएगा। अगला क्या था हमारे पास, स्टॉक। तो देखो स्टॉक में बिल्कुल आसान है कि मार्केट वैल्यू क्या है, ये आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी, ये हम पहले डिसाइड कर चुके हैं। और कॉस्ट ऑफ स्टॉक, कॉस्ट ऑफ स्टॉक का मतलब क्या, वो बता रहा है कि हमारा जो स्टॉक है वो हमने 4,00,000 रुपए का खरीदा था, तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। जितने का आपने स्टॉक बेचा, कितने का बेचा 5,00,000 का, ये 5,00,000 का बेचा ना आपने, खरीदा कितने का था 4,00,000 का, तो 1,00,000 की बिजनेस इनकम हो गई, सिंपल। अब पार्टनर को आप कितने में दे रहे हो, किसी को 3,00,000 में दे रहे हो, किसी को 4,10,000 में दे रहे हो, किसी को 3 में दे रहे हो, पार्टनर को कितने में दे रहे हो वो मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है 5,00,000, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी 4,00,000। तो ये देखो जी आंसर आ जाएगा 1,00,000, ये आपका आंसर निकल जाएगा। समझ में आया ये, तो ये लास्ट वाला ये भी लिख लो कि सर यहां पे सीधे यहां पे एक नया फॉर्मूला लगेगा। नया क्या मतलब, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो आपने लिखा ही है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब क्या, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, और माइनस में क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या है परचेस प्राइस, जितने में उसने परचेस किया, और आपके पास आंसर क्या आएगा बिजनेस इनकम, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया क्या, हो गया, हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सीएस वाले यहीं बैठेंगे, जून अटेम्प्ट, अच्छा जो दिसंबर वाले वो भी बैठ जाए, क्या जा रहा है, बाकी सीए वाले जा सकते हैं।